everyone. My name is Tejas. I'm the head chef at Amaranta at the Oberoi Gurgaon. Today we're going to make a recipe of khakra. It's a very easy and a light and a healthy snack. And we are going to serve this with a chili and a garlic yogurt. So let's get to the kitchen and see how a khakra is being made. So today we are making khakra. Khakra is a easy and a very light and a healthy snack. Idly from Gujarat. तो खाकरा बनाने के लिए हम लेंगे पहले होल व्हीट फ्लावर या आटा. उसमें डालेंगे हम थोड़ा जीरा, थोड़ी कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक. इसको हम अब गूंदेंगे पानी डाल के इसमें. तो ये जो आटा जो हम गूंद रहे हैं ये थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और फिर हम इसको बेल के इसको ओवन में पकाएंगे. देखिए डो अब तैयार हो गया है. थोड़ी देर और गूंदेंगे इसे. अब इसको यहाँ नीचे उतारेंगे. इसको अच्छे से गूंदेंगे. ये डो रेडी है. अब इसे हम थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे, तकरीबन आधा घंटा. तो अभी ये डो रेस्ट हो रहा है. हम इसकी डिप बनाते हैं जो है चिली गार्लिक योगर्ट. उसके लिए हमें चाहिए योगर्ट. ठीक है, सो वी टेक सम योगर्ट, एडेड इन दिस, पुट सम चिली एंड गार्लिक पेस्ट. इसका कोई रेशो नहीं है या कोई ग्रामेज नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स हाउ स्पाइसी यू वांट द योगर्ट टू बी एंड यू कैन मेक इट इन अकॉर्डिंग. लेट्स मिक्स इट नाइसली. सो वी एडेड द चिली एंड द गार्लिक पेस्ट इनटू द योगर्ट एंड वी विल विस्क इट नाइसली. इट हैज़ टू बी नाइस एंड थिक. यू लुक एट द कंसिस्टेंसी हियर. It is like a dollop. See, it is falling down like a dollop. You add some salt. And then you finish it off with some lemon juice. So now that the yogurt is ready, let's check on the dough which has been resting for some time. Dough ko hum abhi bel ke usko oven mein dalenge. So ab hum jo dough hai usko hum belenge. Pehle thoda maida daliye. प्लेट पे, टेबल पे, फिर डो लीजिए और फिर आप उसको बेलना है. ध्यान रहे ये पतला बेले, क्योंकि अगर ये मोटा रहेगा तो फिर ये अनइवन कुक होगा और फिर ये पकेगा नहीं अच्छे से. ऑल्सो जब ये मोटा रह जाता है तो काफ़ी चुई सा हो जाता है. तो आप देख सकते हैं, देखो मैं कितने. तो ये रेडी हो गया. अब हम इसको डालते हैं. चलिए इसको डालते हैं ओवन में. तो ये खाकरा रेडी हो चुका है. इसको हमने ओवन में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाया एट अराउंड 100-120 डिग्रीज. अगर ये खाकरा पकता नहीं है तो इसको और थोड़ी देर पकाया करो. अब हम इसको प्लेट करते हैं. सो वी टेकन अ नाइस वुडन बोर्ड हियर एंड वील पुट इट इन हियर लाइक अ क्रिस्प. और एक खाकरा हमने आप प्लेट कर दिया है और ये आपका चिली गार्लिक योगर्ट डिप के साथ खाकरा.